बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब करना है या नहीं, इससे पहले आप वीडियो देख लें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का कंटेंट काफ़ी रीडिंग और छानबीन के बाद लिया गया है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना यार। इस वीडियो के क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो डियर व्यूवर्स, बगैर टाइम ज़ाया किए आज हम अपने फर्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। टॉपिक नेम है अफगानिस्तान तालिबान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट अमीर ऑफ अफगान तालिबान इज़। अफगान तालिबान का करंट अमीर कौन है? ऑप्शन ए ज़बीउल्लाह मुजाहिद, ऑप्शन बी सोहेल शाहीन, ऑप्शन सी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, ऑप्शन डी हैबतुल्ला अखुनजादा। द राइट आंसर इज हैबतुल्ला अखुनजादा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इसे कब अमीर बनाया गया, तो इसको देख लेते हैं जी। ये मई 2016 में अमीर बनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट की राय है कि इस टॉपिक अफगानिस्तान तालिबान से दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि इस टॉपिक पर कोई ऐसा सवाल ना रह जाए जो वीडियो में शामिल ना किया जाए और पेपर में आ जाए। हम इसमें मज़ीद भी देख लेते हैं, इसका मिलिट्री कमांडर पूछा जा सकता है कि इस वक्त इनका मिलिट्री कमांडर कौन है। तो मिलिट्री कमांडर मुल्ला उमर का बेटा है जी। उनका नाम मुल्ला याकूब है। डियर व्यूवर, आए इस टॉपिक पर सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अफगानिस्तान गवर्नमेंट कोलैप्सेस एज तालिबान टेक्स काबुल ऑन। इसमें जी ऑप्शन वन है 15 अगस्त 2021, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 2021, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 2021, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 15 अगस्त 2021। अगर आप इसको इस तरह याद रखेंगे कि उस दिन इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इस टॉपिक पे जो आज का थर्ड क्वेश्चन वो हमने ऐड किया है, तालिबान स्पोक्स पर्सन ऑफ न्यू इंटरम गवर्नमेंट ऑफ इन अफगानिस्तान इज। अबूरी हुकूमत का तर्जुमान, न्यू अबूरी हुकूमत है जो, उसका जी तर्जुमान कौन है? ऑप्शन वन मुजाहिद अनवर, ऑप्शन बी मुल्ला अख्तर मंसूर, ऑप्शन सी मुल्ला अखुनजादा एंड ऑप्शन डी ज़बीउल्लाह मुजाहिद। इसका करेक्ट आंसर है जी ज़बीउल्लाह मुजाहिद, ऑप्शन डी। इस टॉपिक पर जो फोर्थ नंबर पर हमने अहम क्वेश्चन रखा है, तालिबान नॉमिनेट्स होम फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यू इमारत इन अफगानिस्तान। ऑप्शन वन है मुल्ला उमर, ऑप्शन बी है मुल्ला अखुनजादा, ऑप्शन सी है मुल्ला गनी ब्रदर एंड ऑप्शन डी है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। करेक्ट आंसर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है, ऑप्शन डी। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तालिबान अनाउंस होम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू इमारत। द ऑप्शन वन इज मुल्ला अब्दुल्ला, बी इज मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, सी इज मुल्ला उमर, डी नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, ऑप्शन बी। छठा इम्पोर्टेंट सवाल है जी, गवर्नर सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान, करंट जो है उनका जो गवर्नर कौन है? इसका
जवाब है हाजी। मोहम्मद इदरीस साहब हैं जी। सातवां क्वेश्चन एक अफगान टीम के हवाले से ऐड किया गया है, फर्स्ट डबल सेंचुरी ऑफ अफगानिस्तान प्लेयर। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं जी। करेक्ट आंसर है हशमतुल्ला शाहिदी। इस टॉपिक का आठवां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली फर्स्ट वोमेन जिम इन अफगानिस्तान, रिसेंटली वोमेन जिम बनाई गई है अफगानिस्तान में, वो कहाँ बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है जी कंधार, कंधार सिटी में। आज का सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। ये FIA जो हाल ही में अक्टूबर 2021 के बाद और दूसरे पेपर जो अक्टूबर 2021 में हो रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 प्लेड इन 2021 में खेला गया है 20 में कोविड की वजह से? इसका ऑप्शन 1 है जापान, बी है चाइना, सी है USA, डी है इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है जी यूनाइटेड स्टेट यानी USA, ऑप्शन सी। तो इसके मज़ीद डिटेल भी हम आपको बताते चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है ओलंपिक्स 2021 में 113 मेडल के साथ यूनाइटेड स्टेट, और इसमें जी सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो है चाइना, उसने 88 मेडल्स इसमें हासिल किए थे। और थर्ड नंबर पे इसमें जापान है, जापान ने कितने जी मेडल हासिल किए हैं इसमें? जापान ने 58 मेडल के साथ थर्ड नंबर पे हैं। आज के सेकंड टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन, ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 हेल्ड फ्रॉम कौन से डेट से जी कब तक हुई है ये? इसका ऑप्शन 1 है 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, ऑप्शन बी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक, ऑप्शन सी 25 जून से 10 जुलाई 2021 तक, और लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी 8 अगस्त से 20 अगस्त 2021 तक। इसका करेक्ट आंसर है जी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। क्वेश्चन नंबर 3, ICC T20 कप विल बी डैश इवेंट, कौन सा इवेंट होगा जी ये जो होने जा रहा है T20 कप? इसका राइट आंसर इज 8वां इवेंट है। इस इवेंट के बारे में कोई मज़ीद भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, इसलिए मज़ीद हम आपको बताते चलें। ये COVID-19 की वजह से ये इंडिया ने होस्ट करना था इसको, लेकिन अब इंडिया इसको होस्ट नहीं कर रहा। तो अब ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है जी? अब ये इवेंट UAE में हो रहा है। इस टॉपिक का चौथा क्वेश्चन ICC रैंकिंग के हवाले से है। अक्टूबर 2020 में अब तक फर्स्ट रैंकिंग में कौन सी टीम खड़ी है? वनडे में टॉप पोजीशन न्यूजीलैंड की है, इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है। इसके बाद T20 को देख लेते हैं। T20 पे टॉप पोजीशन इंग्लैंड की है। इसके बाद टेस्ट की टॉप पोजीशन देखते हैं, रैंकिंग में कौन से पहले नंबर पे हैं। टेस्ट में भी न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। इसके बाद बैट्समैन की रैंकिंग देख लेते हैं। बैट्समैन रैंकिंग में इस वक्त सबसे पहले ODI में बाबर आजम पाकिस्तानी प्लेयर इस वक्त फर्स्ट रैंकिंग पे है। टेस्ट मैच में इस वक्त फर्स्ट रैंकिंग पे जॉय रूट है, इंग्लैंड का प्लेयर है। एंड T20 में फर्स्ट नंबर पे डेविड मिलान है, ये भी इंग्लैंड का है। ये रैंकिंग चेंज होती है, आप पेपर वाले दिन देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
next Olympics will be held in? Option A, London. B, Beijing. C, Moscow. D, Paris. The correct answer is Paris. Option D. इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कब होंगी, तो ये 2024 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, UEFA यूरो फुटबॉल कप 2021 के बारे में है। यूरो फुटबॉल कप 2020 में होना था, लेकिन COVID-19 की वजह से ये 2021 में हुआ है। इसका विनर इटली है और ये सेकंड टाइटल जीता है इसने, इटली ने अपना। इसका फाइनल लंदन में हुआ है। सातवां क्वेश्चन स्पोर्ट्स डे के हवाले से है। स्पोर्ट्स डे किस डेट को होता है, किस डेट को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर इज 6 अप्रैल। नेक्स्ट जी, थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का COVID-19 है। COVID-19 का जो है 2020 में स्टार्ट हुआ था और 2021 तक अभी तक चलता आ रहा है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वैक्सीन ऑफ COVID-19 के बारे में है। फर्स्ट वैक्सीन का नाम कोविनेक-कोव है, ये रशिया ने बनाई थी और सबसे पहले बनाई थी अप्रैल 2021 में बनी है। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ COVID-19 पासड ऑन, कैसे फैलता है COVID-19? ऑप्शन ए, थ्रू ड्रॉपलेट्स डैट कम फ्रॉम योर माउथ एंड नोज व्हेन यू काउ और ब्रीथ आउट। ऑप्शन बी, इन सेक्सुअल फ्लूइड्स इंक्लूडिंग सीमन, वेजिनल फ्लूइड्स और एनल म्यूकस। ऑप्शन सी, बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट कंटेजियस वेरिएंट ऑफ COVID-19 इज कौन सा है जी? इसका आंसर है जी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स ऑफ COVID-19। इसके आंसर में हम वैक्सीन नेम एंड कंट्री नेम देखेंगे। पहली वैक्सीन का नाम है जी AstraZeneca बाय इंग्लैंड। सेकंड वैक्सीन Sinopharm बाय चाइना। थर्ड इज Sinovac बाय चाइना। फोर्थ इज PakVac बाय पाकिस्तान लोकल मेड। नेक्स्ट इज Pfizer बाय USA यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ COVID-19? ऑप्शन ए, अ न्यू एंड कंटिन्यूस कॉग। ऑप्शन बी, फीवर। ऑप्शन सी, टायर्डनेस। एंड डी, ऑल ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी। अब हम इन टॉपिक्स के अलावा जो हमारी टीम ने अदर इम्पोर्टेंट MCQs 2021 करंट अफेयर्स के हवाले से निकाले हैं उनको देखते हैं। व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन ए, 8841.0 meters। ऑप्शन बी, 8848.86 meters। ऑप्शन सी, 8856.74 meters। ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज 8848.86 meters, ऑप्शन बी। माउंट एवरेस्ट की रिसेंटली मेजरमेंट की गई है चाइना की तरफ से। करंट मेजरमेंट और प्रीवियस में फ़र्क आया है। प्रीवियस मेजरमेंट 8844.43 meters थी।
क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन इसराइल ओपन्स इट्स एम्बेसी इन अबू धाबी। ऑप्शन वन 24 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 2 जनवरी 2021, सी 7 जनवरी 2021, डी नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ए 24 जनवरी 2021। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु बिकेम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इन 2021। ऑप्शन ए जेफ बेजोस, बी एलन मस्क, सी बिल गेट्स, डी बर्नार्ड अर्नॉल्ट। द करेक्ट आंसर इज बी एलन मस्क। एलन मस्क के पास $185 मिलियन से भी ज़्यादा दौलत है। इससे पहले जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, जो 2017 से टॉप पे था, उसके पास $184 बिलियन थे। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ इज करंट CEO ऑफ गूगल। ऑप्शन ए लैरी पेज, ऑप्शन बी सुंदर पिचाई, ऑप्शन सी सर्जे ब्रिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज सुंदर पिचाई, ऑप्शन बी। सुंदर पिचाई एक इंडियन है और ये चेन्नई में पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन वन अंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन सी तिजानी मोहम्मद बंदे, ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर बी अब्दुल्ला शाहिद। इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है। ये 76 नंबर प्रेसिडेंट है, इसका ताल्लुक मालदीव से है और इसने 191 से 143 वोट हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA। ऑप्शन ए माइक पोम्पियो, ऑप्शन बी एंटोनी जे ब्लिंकन, ऑप्शन सी मार्क एस्पर, ऑप्शन डी विलियम बार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लिंकन। इसके बारे भी आपको मज़ीद मालूमात देते चलें, USA का 71वां सेक्रेटरी एंटोनी जे ब्लिंकन है, जो 20 जनवरी 2021 को सेलेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन इंटरनेशनल फुटबॉल बिटवीन 2003 टू 2021 बाई एन इंडिविजुअल मेल वाज अचीव्ड बाय। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी नेमार, ऑप्शन डी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। करेक्ट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी। इसके बारे में मज़ीद मालूमात, इसने इस दौरान 111 गोल स्कोर किए। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम फुल मेंबर ऑफ SCO ऑन 20th summit इन दुसंबे। ऑप्शन वन अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी नेपाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ईरान। इसके बारे में मज़ीद मालूमात, पहले SCO के 8 मेंबर्स थे, अब 9 हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ अफगानिस्तान वगैरह ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं। अल्लाह हाफिज़।